पांच लोगों को एक रिमोट डॉल म्यूजियम में बुलाया जाता है। इसके बाद एक एक कर कर मिस्टीरियसली ये मर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सर्वाइवर्स को ढूंढना है। आज की हमारी मूवी डॉल मास्टर ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी मल्टीलेयर्ड है, तो इस मूवी का एक्सपीरियंस वो और भी इनहेंस करती है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने उस लड़की के लिए डॉल बनवाई थी। पर उसे ये नहीं पता था कि डॉल भी उसे प्यार कर सकती है। एक दिन जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी लाश उसे मिली और उस लड़की का मर्डर सस्पेक्ट वही बन गया। विलेज वालों ने खुद ही उसे पनिश किया, मार डाला और गाड़ दिया। लास्ट चीज जो उस लड़की ने देखी वो डॉल थी। जिस जगह पर उसे गाड़ रहे थे उसी जगह पर डॉल भी थी। डॉल इस लड़के से बहुत प्यार करती थी, तो हमेशा उसके ग्रेव के पास ही वो बैठी रही। यहाँ इस स्टोरी में लड़की को मारने वाली भी डॉल ही थी। ये स्टोरी हमारी यहाँ खत्म हो जाती है और हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर हम देखते हैं जिसका नाम है हेमी। हेमी अपनी गाड़ी से डॉल म्यूजियम में जा रही है। वो अपनी मदर से बात कर रही होती है, कब वापस आएगी, किस तरह से जा रही है, ये सब उसे बताती है। ये बात ही कर रही है तभी उसका कॉल कट हो जाता है। जिस एरिया में जाती है इस एरिया में कोई भी रेंज नहीं है। आगे चलकर एक लड़का उससे लिफ्ट मांगता है। ये भी हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है तेसंग। हेमी उसके लिए गाड़ी रोकती है तो तेसंग कहता है कि मुझे डॉल म्यूजियम जाना है। ये दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं तो एक साथ जाते हैं। इनका म्यूजियम जाने के लिए रीजन ये है कि ये दोनों डॉल के लिए मॉडल करने वाले हैं, यानी कि जिस तरह से दिखते हैं उसी तरह से डॉल बनने वाली है। यहाँ पर और तीन लोगों को भी इन्वाइट किया गया है। तेसंग और हेमी दोनों म्यूजियम पहुंचते हैं और वहां पर एक फोटोग्राफर भी है। हेमी को देखते ही फोटोग्राफर उसकी फोटो निकाल लेता है। हेमी जब इस फोटो को देखती है तब उसके पीछे रेड ड्रेस में एक लड़की थी, वो पीछे मुड़ती है पर पीछे कोई नहीं है। म्यूजियम में डॉल्स को मॉडल करने के लिए और कुछ लोगों को बुलवाया गया है। उसमें एक स्टूडेंट है और एक राइटर है। ये जो हमारी राइटर है ये जरा अजीब है, इसके हाथ में डॉल होती है। ये किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, उसके चेहरे से ही दुखी लगती है। इन सब लोगों को अंदर इन्वाइट किया जाता है। इस म्यूजियम का ओनर जिसका नाम है चा, ये इन सब से मिलता है। सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनके जो प्रोफेशन थे ये क्या करते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। इनके नाम हम इनके प्रोफेशन से ही मानेंगे। अगर आपको इनके नाम से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसके लिए जरा इसे इजी करते हैं। चाओ जब यहाँ तेसंग को देखता है तो जरा सरप्राइज्ड है। चाओ ने तेसंग को कभी भी बुलाया नहीं था। तेसंग एक प्रोफेशनल मॉडल है और चाओ को कभी भी प्रोफेशनल मॉडल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डॉल प्रोफेशनल मॉडल से बनवाई गई तो उतनी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। रियल लोगों को बुलाया गया और उनसे मॉडल करवाया गया तो ये सही हो सकता है। चाओ फिर तेसंग से कहता है कि मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तेसंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मुझे यहाँ होना था, मुझे म्यूजियम देखना था और मॉडल भी करना था। तेसंग ये करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। चाओ तेसंग से कहता है कि पहले हमारी आर्टिस्ट से तुम मिलो और फिर हम डिसाइड करेंगे, यानी कि एक्चुअल डॉल क्रिएट करने वाली अब डिसाइड करेगी कि तेसंग पर डॉल बनवानी चाहिए या नहीं। चाओ फिर सब लोगों को जहाँ पर डॉल रखी हुई होती है वहाँ लेकर जाता है। यहाँ बहुत सारे डॉल है तो सब पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। चाओ कहता है कि ये सब डॉल रियल ह्यूमन से ही इंस्पायर्ड है। ऊपर से आर्टिस्ट आती है जिसका नाम है इम। इम तेसंग को देखती है और उसे वो पसंद आता है, यानी कि अब वो यहाँ रुक सकता है। चाओ फिर सब लोगों को उनके रूम्स दिखाता है। हेमी जब अपनी रूम देखती है तो अचानक से डर जाती है। एक बड़ी सी डॉल के हाथों में मिरर है। इस घर में बहुत सारे डॉल्स हैं, तो ये भी उसका एक पार्ट है। वो डॉल के फेस को नोटिस करती है। इस फेस की डिटेल्स ब्रिलियंट है। हेमी अपनी खिड़की से नीचे देखती है तो नीचे एक रेड ड्रेस में लड़की है। ये वही लड़की है जो उसके पिक्चर में भी आई थी। हेमी को अब डॉल्स के फेस से पिक्चर्स निकालने हैं। वो राइटर से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है कि मैं पिक्चर्स लेने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पर ये राइटर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो राइटर से कहती है कि ये जगह जरा स्ट्रेंज है, क्या तुम्हें नहीं लगता। ये सुनकर राइटर उसे अंदर बुलाती है। अंदर एक शैंडलियर है और उस पर भी बड़ी सी डॉल है। ये डॉल देखकर राइटर भी डरी हुई थी। हेमी उसका भी फोटो लेती है, कहती है कि इसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स है, ऐसा लगता है कि इनमें भी सोल है। हेमी यहाँ पर राइटर के डॉल पर बैठने वाली थी, पर राइटर ने गुस्सा होकर वो डॉल अपने हाथों में ले ली। हेमी उसे सॉरी कहती है। हेमी पूछती है कितने सालों से तुम्हारे पास ये डॉल है। राइटर कहती है कि जब से मैं छोटी थी तब से मेरे पास ये डॉल है, और ये डॉल नहीं है, इसका नाम भी है। वो समझती है कि इस डॉल में सोल है और उसका एक अच्छा फ्रेंड वो है। उसे लगता है कि उसने डॉल एडॉप्ट की थी, एज ए रियल पर्सन ही उसे ट्रीट करती है। हेमी को अजीब लगता है कि डॉल का नाम भी है। हेमी कहती है कि मेरे डॉल का नाम मुझे कभी भी याद नहीं है, हमेशा नई ब्यूटीफुल डॉल आती थी तो पुराने डॉल को मैं फेंक देती थी।
इनकी कन्वर्सेशन यही खत्म होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हेमी फोटोज ले रही थी तभी उसे स्ट्रेंज आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें एक डोर के नीचे बेसमेंट से आ रही थी। हेमी ये देखने के लिए नीचे आती है पर चाव अंदर है। हेमी पूछती है कि इस बेसमेंट में क्या है। चाव कहते हैं ये जगह वाइन स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर राइट है। थोड़ी देर में ये सब मिलकर लंच करते हैं। लंच करते वक्त फिर से राइटर की डॉल का सब्जेक्ट निकलता है। यहाँ पर उसे पूछा जाता है कितने साल हो गए तुम्हारे पास ये डॉल है। इस राइटर को ईयर मंथ और डे सब कुछ पता है। इसमें से स्टूडेंट कहती है कितने साल हो गए तुम इसे फेक क्यों देती है। फोटोग्राफर कहता है कि इसमें सोल हो सकती है। वो फिर एक्सप्लेन करता है कभी कभी जो चीजें हम यूज करती है जो हमें अच्छी लगती है उसमें सोल आ जाती है। सब लोगों को ये बुलशिट लगता है। आर्टिस्ट कहती है कि जब भी मैं कोई डॉल बनाती हूँ तो मेरी पूरी सोल उसमें डाल देती हूँ। ये एक अच्छा वे है चीजों को देखने के लिए, तो सब लोग इस पर एग्री करते हैं। लंच के बाद डॉल के पास सब लोग फोटो ले रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं राइटर का जब फोटो लिया जा रहा था तो अचानक से वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और इस आवाजों को रेजिस्ट करती है। वो चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। उसके बैग में उसकी कुछ दवाइयां थी तो ये सब उसे देते हैं और उसके रूम में जाकर उसे सुला देते हैं। राइटर को यह सब हो रहा था तो सब लोग डिस्ट्रैक्टेड थे। इसका फायदा उठाकर तेसंग वहां से निकल जाता है। डायरेक्टली चाओ के ऑफिस में आता है। चाओ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है, सब चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहा है। चाओ अचानक से ऑफिस में आता है तो तेसंग वही कबर्ड में छुप जाता है। इस कबर्ड में हम देखते हैं तेसंग के नेक के पास हाथ आ चुका है। तेसंग डर कर देखता है तो एक बड़ी सी डॉल यहाँ भी है। थोड़ा सा आवाज होने की वजह से चाओ को पता चल चुका है कि तेसंग यही है। तेसंग को बाहर निकाल कर पूछता है यहाँ तुम क्या कर रहे थे। तेसंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मैं कॉल करना चाहता था पर यहाँ नेटवर्क नहीं है इसलिए मैं आपका फोन यूज कर रहा था। चाओ उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ बेसमेंट में आता है और एक आदमी को वहां बांधा हुआ है। इसी बेसमेंट में इन सब पांचों लोगों के फोटोज भी है। चाओ इस आदमी को कहकर जाता है कि वो वापस आएगा। हेमी स्टूडेंट के साथ हैंग आउट कर रही होती है। हेमी के हाथ पर एक बड़ा सा स्कार है जो स्टूडेंट देखती है। स्टूडेंट इसके बारे में उसे पूछती है। हेमी कहती है कि मैं छोटी थी तभी एक बाइक एक्सीडेंट मेरा हो गया था, उसी वजह से मुझे चोट लगी थी। राइटर की डॉल नीचे पड़ी हुई थी तो हेमी उसे उठाती है और एक चेयर पर रख देती है। इसके बाद डायरेक्टली हम देखते हैं वो डॉल राइटर के पास आ चुकी है। हेमी जरा म्यूजियम से बाहर निकलती है। वहां पर फिर से उसे रेड ड्रेस वाली लड़की दिखती है। उसके पास जाकर उसे वो बातें करती है। ये इस लड़की से उसका नाम पूछती है। इस लड़की का नाम मीना है। तेसंग भी म्यूजियम से निकलता है तो हेमी उसे आवाज देती है। तेसंग उसके पास आता है पर तब तक मीना वहां से गायब हो चुकी है। ये उसे बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। ये दोनों बात करते हैं तभी आर्टिस्ट मीन हेमी को बुला लेती है। हेमी उसे मिलने के लिए जाती है। आर्टिस्ट उसे कहती है कि तुम भी डॉल्स में बहुत इंटरेस्टेड हो। हेमी एक स्कल्पचर है इसलिए उसे डॉल में बहुत ही इंटरेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे डॉल है तो हेमी ये सब डॉल्स देखती है। इसमें से एक डॉल नीचे वो जिस लड़की से मिली जिसका नाम था मीना उससे बहुत ही मिलती जुलती है। वो आर्टिस्ट से पूछती है कि ये तो मीना की डॉल है, तुम उससे मिली तुम्हें कैसे लगा। हेमी को यह सवाल समझता नहीं। आर्टिस्ट कहती है कि मुझे लगा तुम एक दूसरे को जानती हो, मीना हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करती है। मीना ने कहा था कि हेमी जब उसे पहली बार देखेगी तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगी। ये सब कहकर आर्टिस्ट हेमी को जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट रूम से मीना बाहर निकलती है, हार्ट ब्रोकन है और रो भी रही है। हेमी जब अपनी रूम में आती है तो राइटर जग चुकी है। वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उसकी डॉल को किसी ने काट डाला है। ये राइटर हेमी को इसके लिए मार ही डालना चाहती है। यहाँ पर एक फोटो हम देख सकते हैं जिसमें हेमी डॉल को मार रही है। हेमी इसे डिनाई करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राइटर को फिर से चक्कर आती है और वही वो गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें आर्टिस्ट इम और चाव ये दोनों बेसमेंट में आए हुए दिखते हैं। जिस आदमी को उन्होंने चेन कर रखा है उससे वो पूछते हैं कि तुम्हारे लास्ट टाइम है, तुम्हें करोगे या नहीं। उसे थोड़ा सा वक्त देकर वहां से वो चले जाते हैं। रात में बाकी लोग जब डिनर कर रहे हैं तो सब वंडर करते हैं कि डॉल को किसने मारा होगा। इसमें फोटोग्राफर कहता है कि हमें पता नहीं कि किसने मारा है पर जो भी किया था उसके पीछे सिम्बॉलिक मीनिंग था। ये सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये फोटोग्राफर कहता है कि डॉल में सोल होती है और ये सोल उनके नेक से नीचे जाती है। अगर उनकी नेक से हम उसे तोड़ दे तो मर सकती है। उसी तरीके से राइटर की डॉल भी मारी गई थी। ये बहुत ही सुपरस्टिशियस है तो उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। फोटोग्राफर और भी उन्हें कन्विंस करता है। वो कहता है यहाँ आसपास ही एक गांव है जहाँ पर एक डॉल ने बहुत सारे लोगों से बदला लिया था। यहाँ बैठे हुए सब लोग रियलाइज करते हैं कि एक्चुअल में ये सब लोग उसी गाँव से है, यानी कि इनके एंसेस्टर वही रहते थे।
इन सब को बहुत ही अजीब लगता है। ब्राइडर रात में उठती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है। वो यहाँ वहाँ देखती है पर उसके शैंडलियर में जो डॉल थी अब वो अलाइव हो चुकी है। उस पर झपक पड़ती है, उसे मार डालती है। डिनर कर हेमी जरा म्यूजियम से बाहर निकलती है। उसे फिर से वहाँ मीना दिखती है। मीना रो रही है तो हेमी उसे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। मीना कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही इसलिए मैं बहुत ही सैड हूँ। हेमी मीना को सहारा देने के लिए उसके हाथ पकड़ती है पर इसके हाथ खून से भरे हुए है। हेमी इससे बहुत ही डर जाती है और भागने लगती है। अचानक से इसका पैर फिसलता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राइटर की तबीयत कैसी है। ये चेक करने के लिए स्टूडेंट उसके रूम में आती है। अंदर उसे राइटर लटकी हुई मिलती है। ये बहुत ही डर जाती है। सब लोगों को जब ये पता चलता है तो सब लोग बहुत डर चुके हैं। चाव सबको शांत करने के लिए कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अगली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। हेमी का भी कोई अता पता नहीं है तो जरा डर रहे है। स्टूडेंट को टॉयलेट जाना है तो जाने के लिए भी डर रही है। फोटोग्राफर फिर उसके साथ जाता है। टॉयलेट में जब ये चेक करते हैं तो हर टॉयलेट में एक डॉल है। ये स्टूडेंट बहुत डरती है पर फिर भी उसे जाना पड़ता है। बहुत देर होती है पर फिर भी वो बाहर नहीं आती। फोटोग्राफर वंडर करता है कि अंदर चल क्या रहा है। ये जानने के लिए एक फोटो लेता है और इस फोटो में वो मरी हुई है ये उसे दिखता है। इसके बाद वो डर कर डायरेक्टली म्यूजियम के बाहर आ जाता है। अपनी गाड़ी निकलता है और आगे जाता है। खिड़की से तेसंग ये नोटिस करता है कि ये भाग क्यों रहा है। तेसंग उसका गाड़ी में पीछा करता है पर आगे चलकर फोटोग्राफर का भी एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेमी जब बेहोश है तो उसे अपनी बचपन की एक याद आती है। इसके इस मेमोरी में एक डॉल के साथ वो खेल रही है और ये डॉल मीना की ही है। वो सपने में डर कर उठ जाती है। वो भागते भागते चाव के ऑफिस में पहुंचती है, अपनी मदर को कॉल करती है। उसकी बचपन की डॉल कैसी थी या अपनी मदर से वो कन्फर्म करवाती है। ये बहुत ही डर चुकी है क्योंकि उसकी बचपन की डॉल जिंदा होकर वापस आ चुकी है। अचानक से वहां मीना भी आती है। मीना उसे कहती है क्या अब तू मुझे पहचान रही हो। हेमी कहती है कि मैं तुमसे डरती हूँ, मेरे पास मत आना, और वहां से भागती है। मीना को बहुत ही हर्टफुल महसूस होता है। हेमी अब यहाँ से भाग रही है, अपनी कार की चाबी निकालती है पर आगे चलकर ये चाबी नीचे गिर जाती है। अचानक से तेसंग उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुम ही वो किलर हो जो सब लोगों को मार रही हो क्योंकि सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ हेमी बची हुई है। हेमी कहती है कि मैं तुम्हें सबको समझा सकती हूँ। उसे कहती भी है कि उसके बचपन की डॉल सब लोगों को मार रही है पर ये वो बिलीव नहीं कर पाता। तेसंग कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ काम करने वाला आदमी मर गया था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं यहाँ अंडर कवर आया था। ऊपर से आर्टिस्ट इम आ जाती है। तेसंग उससे कहता है कि मैंने कल्प्रिट को ढूंढ लिया है, यही ये सब कर रही है। इम पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि इसने ये किया है। एक्चुअल में इक्सांग के पास एक फोटो है जिसमें दिख रहा है कि हेमी स्टूडेंट को मार रही है। हमने देखा था कि फोटोग्राफर ने स्टूडेंट के टॉयलेट में फोटो ली थी, ये वही फोटो है। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि हेमी स्टूडेंट को मार रही है। आर्टिस्ट टीम तेसंग को फिर से इस फोटो को देखने के लिए कहती है। अचानक से इस फोटो में से हेमी गायब हो जाती है। इम फिर कहती है कि तुमने जो थेरीज बनानी थी वो बना ली, अब मेरी सुनो। एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की को किसी ने मार डाला पर गांव वालों ने पूरा शक इस लड़के पर डाल दिया। मूवी के फर्स्ट में हमें जो स्टोरी सुनाई गई थी ये वही स्टोरी है। इस लड़के की डॉल उसे प्यार करती थी, उसने ठान लिया था कि सब लोगों से वो बदला लेगी। उसने ही विलेज के सब लोगों को मार डाला था। जिन लोगों ने उस लड़के को मारा था उन्हीं लोगों की नेक्स्ट जनरेशन ये 5 लोग थे जो अब म्यूजियम में आए थे। इनमें से 3 लोग मर चुके हैं, सिर्फ हेमी और तेसंग बचा हुआ है। यह डॉल अभी भी इन सब लोगों को मारकर बदला लेना चाहती है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें इम और उसका हस्बैंड दिखता है। जो बेसमेंट में बंधा हुआ आदमी है वो इम का ही हस्बैंड है। जब इम और उसका हस्बैंड यंग था तब उन्होंने इस डॉल को देखा था और इस डॉल को अपने घर पर वो लेकर आए थे, पर इसी डॉल की सोल अब इम में घुस चुकी है और वो सब लोगों से बदला ले रही है। इम कहती है कि तुम दोनों तड़प तड़प के मरोगे और वहां से निकल जाती है। तेसंग इम के पास जाने की कोशिश करता है पर इम की गर्दन पूरी पीछे घूमती है। ये बहुत ही डर जाते हैं। अब इन दोनों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। वो हेमी से पूछता है तुम्हारी कार किस कहाँ है, उसे लोकेशन बताती है, ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हेमा अपना प्रोटेक्शन कर सके उसके लिए उसे एक गन दे देता है। हेमा जब अकेली थी तब उसके पास मीना आती है। मीना उसे कहती है कि इम ने मुझे कहा है कि अगर मैं उसकी हेल्प करूंगी तो तुम्हें वो जाने देगी। मीना ही थी जो सब लोगों को मार रही थी। हेमा डर कर मीना पर गन चलाती है। मीना अंदर से हर्ट हो जाती है पर अपना काम कंप्लीट करने के लिए वो वहां से निकल पड़ती है।
मीना तेसंग के पास जाकर उसे लटका देती है। हेमी हथकड़ी से बंधी हुई थी पर तेसंग को हेल्प करने के लिए यह हथकड़ी वो तोड़ देती है। अचानक से उसे फोटोग्राफर की बात याद आती है, अगर डॉल को मारना होगा तब उसे गर्दन तोड़ देनी है। मीना की डॉल उसने इम के रूम में देखी थी तो डॉल ढूंढने के लिए वहां पहुंचती है। इस डॉल को तोड़ने वाली थी पर वहां मीना पहुंच जाती है और इस डॉल को गायब कर देती है। मीना कहती है कि तुमने तब मुझे छोड़ क्यों दिया था, तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो। मीना की आंखें अब लाल हो चुकी है, वो बहुत ही गुस्से में है। जल्दी से हेमी वहां से भाग जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में चाओ को बेसमेंट में आते हुए दिखते हैं। इम के हस्बैंड को यहाँ बांधा हुआ है, इससे वो बातें करता है। चाओ कहता है कि तुम्हें हमारे लिए एक डॉल बनवानी ही पड़ेगी, ये डॉल सिर्फ इम का हस्बैंड बना सकता है क्योंकि उसे ये करना आता है। ये डॉल जो बनवाना चाहते है ये उस लड़के की है जिसे मार दिया गया था, अगर लड़के की डॉल बन जाए तो उसमें सोल आ सकती है, ये लड़का और उसकी प्रेमिका हमेशा एक साथ रह सकते हैं। चाओ आर्टिस्ट इम का ब्रदर है, उस डॉल ने आर्टिस्ट को पजेस कर लिया है। डॉल ने कहा है कि उसका प्यार जो लड़का है उसकी अगर तुम डॉल बनाओगे तो आर्टिस्ट को जाने देगी, इसलिए ये सब चाओ कर रहा है। आर्टिस्ट के हस्बैंड को पता है कि डॉल जो है वो एक इविल डॉल है, वो इस डॉल को हेल्प नहीं कर सकता, इसके लिए वो मना करता है। आर्टिस्ट का हस्बैंड ये डॉल क्रिएट करे इसीलिए चाओ और आर्टिस्ट दोनों मिलकर इसे टॉर्चर करते थे। ये चेन से बंधा हुआ है पर इन चेन को तोड़ देता है, चाओ को ही बांध कर वहां से ऊपर आता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीना अब तेसंग और हेमा इन दोनों को मार डालने वाली थी। तेसंग हेमी को प्रोटेक्ट करते हुए खुद मर जाता है। मीना हेमी के पास आती है और उसे वो मारने वाली थी, तभी हेमी के हाथ पर स्कार उसे दिख जाता है। उसे बचपन की एक याद आती है, हेमी छोटी थी और अपनी डॉल से यानी कि मीना के साथ वो खेल रही थी। ये खेलते खेलते रस्ते पर इन दोनों से एक गाड़ी टकराने वाली थी पर हेमी ने मीना को प्रोटेक्ट किया था। अब मीना को रियलाइज होता है कि हेमी बचपन में उसे बहुत प्यार करती थी इसीलिए अब उसे वो छोड़ देती है। यहाँ पर आर्टिस्ट इम पहुंचती है। आर्टिस्ट ने मीना को कहा था कि हेमी को मार डाले पर मीना अब ये नहीं करने वाली। आर्टिस्ट इस पर बहुत ही गुस्सा होती है, मीना की डॉल को तोड़ देती है, मीना इसी वजह से मर जाती है। आर्टिस्ट हेमी को मारने के लिए उसका गला दबाती है तभी उस पर गोली चल जाती है। यह आर्टिस्ट के हस्बैंड ने गोली चलाई थी, आर्टिस्ट के अंदर डॉल की सोल है, गोली चलाने की वजह से ये दोनों हर्ट होती है। चाओ बेसमेंट से बाहर निकलता है, आर्टिस्ट का हस्बैंड आर्टिस्ट को नहीं मार सके इसलिए इन दोनों में फाइट होती है। आर्टिस्ट जख्मी है पर फिर भी वो हेमी के पास ही जा रही है, हेमी को मारना चाहती है। हेमी एक चाकू लेकर आर्टिस्ट को मार डालती है। आर्टिस्ट के हस्बैंड ने भी चाओ को मार डाला है, आर्टिस्ट अभी भी थोड़ी सी जिंदा है। उसका हस्बैंड उसके पास आता है, आर्टिस्ट कहती है कि अब मैं मर रही हूँ, तब उस डॉल ने मुझे जाने दिया है। जब डॉल उसके शरीर में थी तब उसे बहुत ही तकलीफ दे रही थी। आर्टिस्ट अपने हस्बैंड को उसे मारने के लिए थैंक यू कहती है, उसने उसे मुक्त कर दिया है। जो भी सब लोग मरे हैं तो आर्टिस्ट का हस्बैंड और हेमा इन सब की बॉडी जला देते हैं। यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में एक इविल डॉल एक लड़की से प्यार करती थी, इसी वजह से उस लड़की की प्रेमिकाओं को भी उसने मार डाला। लोगों ने उस लड़के को मारा तो इन सब लोगों से बदला लेने के बाद भी उसकी जनरेशन को मार दिया रही थी। जब आर्टिस्ट और उसका हस्बैंड इस डॉल को अपने घर लेकर गए तो आर्टिस्ट को इस डॉल ने पोजेस कर लिया। उस लड़के को मारने वालों की न्यू जनरेशन अभी भी जिंदा थी इसलिए आर्टिस्ट और चाओ ने इन सबको म्यूजियम में बुलाया और एक एक कर मारने वाले थे। हेमी ने बचपन में अपनी डॉल को अबेंडन कर दिया था, उस डॉल को इन्होंने अलाइव किया और सबसे बदला लेने के लिए यूज कर रहे थे। उन्होंने डॉल को कहा था अगर वो उसे हेल्प करेंगे तो हेमी को जाने देंगे, वो ऐसा कभी भी करने नहीं वाले थे। आर्टिस्ट चाओ की सिस्टर थी और डॉल ने आर्टिस्ट को पजेस कर लिया था। डॉल ने चाओ को कहा था कि अगर वो उसे हेल्प करेगा तो वो आर्टिस्ट को जाने देगी, इसलिए ये सब वो कर रहे थे। आर्टिस्ट का हस्बैंड इन सब के लिए मना कर रहा था इसलिए उसे बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। लास्ट में हम देखते हैं कि आर्टिस्ट का हस्बैंड आर्टिस्ट को मारकर उसे मुक्त कर देता है। हेमा की डॉल मीना उसे प्रोटेक्ट करते हुए ही मर गई। लास्ट में सब लोगों की बॉडी जलाते हैं यानी कि किसी भी सोल किसी और चीज में ना घुस जाए। इसी तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। यही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।